हेलो एवरीवन, मैं अंजु त्रिखा आरकेपी ऑनलाइन हिंदी राइटिंग क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बेटा, आज हम व्यंजनों को लिखने का अभ्यास करेंगे, ठीक है? इससे पहले हमने सभी स्वरों की बनावट का अभ्यास किया था, आज हम व्यंजन लिखेंगे। ओके, आप सब भी मेरे साथ साथ इन वर्णों का अभ्यास करोगे। सबसे पहले हम बनाएंगे क, और क बनाने के लिए भी हम बीच में से ही शुरू करेंगे। ये देखिए, एक बार ये देखो, गोलाई में लेकर जाएंगे, फिर गोलाई से सीधा ऊपर की तरफ, और फिर पाई ऊपर ले जाकर ये शेप देंगे पीछे की तरफ। ठीक है, ये बन गया क। अब बनाएंगे ख। ख बनाने के लिए जैसे हमने स्वरों में ए बनाया था, वैसे ही ये देखिए, और य की तरह आकार देते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और ख। ठीक है, अब बनाएंगे ग। ऊपर वाली लाइन से ही नीचे की तरफ एक रेखा लेकर आएंगे, उसको गोलाई में इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है? और अब उसके साथ हम पाई लगाएंगे जो उस गोलाई वाली रेखा से थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे उसे, ठीक है? अब बनाएंगे हम घ। घ बनाने के लिए भी लाइन से ही शुरू करते हुए गोलाई में मोड़ेंगे, एक बार फिर मोड़ेंगे और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ पाई लेकर आएंगे, ठीक है? अब बनाएंगे अंगह। अंगह बनाने के लिए जैसे हमने स्वर में ई बनाया था, वैसे ही छोटी सी पाई लेंगे और ई की तरह उसे मोड़कर यहाँ लाकर छोड़ देंगे। ये बन गया अंगह। क्या है ये? अंगह। ठीक है बेटा, लिए हम लाइन का दो तिहाई ऊपर वाला हिस्सा जो है वहाँ से शुरू करेंगे। ये देखो, दो तिहाई ऊपर वाला हिस्सा यहाँ, ये देखिए, हमने यहाँ से शुरू किया, फिर वापिस आए, गोलाई में लिया, ऊपर से नीचे की तरफ हमने पाई बनाई, ये बन गया च। अब बनाएंगे छ। आधी पाई, मतलब कि एक छोटी सी हल्की सी पाई से शुरू करेंगे हम, फिर जैसे हमने घ बनाया था वैसे ही घुमाते हुए हम यहाँ लाकर गोलाई में छोड़ देंगे, ठीक है? फिर छ की पाई लगाएंगे, ठीक है? अब बनाएंगे हम ज। ज के लिए सबसे पहले हम पाई लगाएंगे, फिर ऊपर का दो तिहाई भाग जैसे हमने च में शुरू किया था वैसे ही, ये देखिए, वापिस और ये नीचे की तरफ से गोलाई, ठीक है? यहाँ हमने ऊपर के नीचे की तरफ से ऐसे गोलाई दी थी, यहाँ हम इस तरह से देंगे। झ। झ बनाने के लिए ये देखो, जैसे ई बनाया था ई, उसके बाद यहाँ हल्की सी गोलाई देते हुए पाई लगाएंगे, ठीक है? अब बनाएंगे हम ञ। बीच में से ही शुरू करेंगे, ये देखिए, और नीचे की तरफ से थोड़ा आगे आएंगे, फिर एक छोटी सी घुंडी लगाएंगे और उसको ऊपर की तरफ पाई लगाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है? क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ, ठीक है? अब हम बनाएंगे ट। ट बनाने के लिए छोटी सी पाई लगाई, फिर जैसे इंग्लिश में हम सी बनाते हैं वैसे ही सी बना देंगे, ये देखिए, ठीक है? ठ, छोटी सी पाई ट की तरह बनाएंगे और फिर ऐसे गोलाई देंगे, लेकिन पूरी गोलाई नहीं देंगे हम, इसको हल्का सा आगे की तरफ लेकर ऊपर जोड़ देंगे, ठीक है? ड, ड, ये देखिए ई की तरह ही,
जैसे न्या बनाया था वैसे ही। ध, ध बनाने के लिए भी पहले हम ठ की तरह बनाएंगे, ये देखो, और फिर इसको यहाँ लाकर ऐसे यहीं से गोलाई में मोड़ देंगे। ण, ये देखो, और फिर इससे थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। अब बनाएंगे त। त बनाने के लिए ये देखिए, पहले हम पाई लगाएंगे, फिर बीचों बीच से हम रेखा नीचे की तरफ ऐसे लेकर आएंगे, ये बन गया त। थ, जैसे हमने ख की शुरुआत की थी वैसे ही, लेकिन वहीं से हम इसको घुमाव देंगे, ये देखो, फिर बिना रुके पाई। ध, ये देखो, जैसे ट बनाया था वैसे ही, फिर ढ की तरह, लेकिन हम नीचे रेखा लेकर जाएंगे। ध धनुष में जैसे हमने घ बनाया था, ये देखिए, ऊपर से ही शुरू करेंगे, लेकिन ऊपर से गोलाई में मोड़ते हुए फिर ध की तरह ले, ये देखो ध। न, बीच में से ही शुरू करेंगे, फिर हल्का सा घुमाव देते हुए ऊपर पाई नीचे तक, ठीक है। त, थ, द, ध, न। अब हम बनाएंगे प। प बनाने के लिए ऊपर से रेखा शुरू करते हुए गोलाई में इस तरह से पाई को मोड़ेंगे। प, फ बनाने के लिए ये देखिए, पहले प बनाया, फिर पाई नीचे, आधे रास्ते से ऊपर और पीछे की तरफ ऐसे गोलाई में घुमा दिया, ठीक है। ब, ब की शुरुआत हम बीच में से ही करेंगे, ये देखिए, फिर इसको, ये पाई नीचे आ गई, फिर पेट में से ही इसको हम इस तरह से दो भाग में डिवाइड कर देंगे। ब, भ, भ देखो, गोलाई नीचे से भी गोलाई में लेकर जाएंगे और पाई लगा देंगे। म, ये देखिए, ठीक है। अब बनाएंगे हम य। जैसे हमने ख बनाया था वैसे ही य बनाना शुरू करेंगे, ये देखिए, ध्यान से, ये देखो, ठीक है। र, जैसे र य बनाया है वैसे ही हम र बनाएंगे, लेकिन हम इसको यहाँ से रेखा नीचे लेकर जाएंगे, ये बन गया र, ठीक है। ल बनाने के लिए पहले हम पाई लगाएंगे, उसके बाद बीच में से ही लाते हुए फिर गोलाई की शेप देंगे इस तरह से, ठीक है। व हम बिल्कुल ब की तरह बनाएंगे, बीचों बीच स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, गोलाई में ले जाते हुए पाई ऊपर से नीचे, ठीक है। अब बनाएंगे श। श बनाने के लिए ऊपर से ही हम शुरू करेंगे और गोलाई देते हुए नीचे हम इस तरह से गोलाई देंगे, ठीक है, और साथ में फिर पाई, ये बन गया श। बेटा, श के ऊपर से हम लोग शिरोरेखा नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको पहले भी बताया है, जितने भी घुंडी वाले वर्ण होते हैं उनके ऊपर से शिरोरेखा कट जाती है, ठीक है। फिर श षटकोण, जैसे हमने प बनाया था, ऊपर से रेखा नीचे की तरफ लाएंगे, फिर गोलाई में घुमाते हुए पाई बनाएंगे, फिर प से ऊपर लेफ्ट टू राइट पेट में से ही रेखा को काट देंगे, ठीक है, ये बन गया
स बनाएंगे हम, जैसे र बनाया था वैसे ही बनाएंगे, फिर थोड़ी सी गोलाई ले जाते हुए पाई बनाएंगे, ठीक है। ह, जैसे हमने ई बनाया था छोटी सी पाई, फिर गोलाई में आगे की तरफ घुमाते हुए, ये देखिए हम यहाँ पर इसे छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम वापस ये, ठीक है, ये बन गया ह। बनाएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में सबसे पहले हम अक्ष बनाएंगे, उसके लिए बेटा सबसे पहले हम पाई लगाएंगे, बीचों बीच से ऊपर की तरफ लेकर जाते हुए रेखा को इस तरह से गोलाई में घुमाएंगे और फिर नीचे ऐसे गोलाई देंगे, ठीक है। ये बन गया क्ष। अब हम बनाएंगे त्र। इसके लिए पहले पाई, फिर त की तरह ऊपर से गोलाई देंगे, ये देखो, फिर यहाँ आकर छोड़ देंगे, फिर पाई और त के समानांतर बीच में हम एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। त्र। ज, ये देखिए पाई बनाएंगे पहले, फिर यहाँ बीचों बीच जैसे हमने ज बनाया था वैसे ही इसको बनाते हुए यहाँ से गोलाई देंगे, ठीक है। अब बनाएंगे श्र। पाई, जैसे हमने अक्ष बनाया था बीच से शुरू करते हुए शिरोरेखा तक लेकर जाएंगे और फिर यहाँ पर छोड़ देंगे और इन दोनों के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, ये बन गया त्र। क्ष, त्र की तरह ही बनाया है ये बीच में, ये बन गया श्र। तो बेटा ये है आपके व्यंजन। स्वरों को लिखने का अभ्यास हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये आपके व्यंजनों का अभ्यास है। ओके बेटा, आप सब भी इसी तरह से इन वर्णों को, व्यंजन को और स्वरों को बनाओगे। बेटा वर्णमाला की जितनी भी वीडियोस हैं आप उन्हें ध्यान से देखोगे और बार बार इनको बनाने का, लिखने का अभ्यास करोगे, ठीक है। पहले आप स्वर बनाओगे, उसके बाद आप व्यंजन लिखोगे और जैसे ही आपकी बनावट में धीरे धीरे सुधार होगा तो आपको सभी वर्ण आसानी से बनाने आ जाएंगे, ठीक है। तो आप सब घर में ही रहकर स्वर और व्यंजन इन सब वर्णों का अभ्यास करो और बार बार लिखने का अभ्यास करो, ठीक है।